एल्यूमिना की ढुलाई के लिए बाल्को ने तीसरे बीटीए पीएचपी रैक का प्रचालन प्रारंभ कर दिया है। 40 वैगनों के रैं रेक के चलने से बाल्को की एल्यूमिना ढुलाई क्षमता में हर माह 7,000 टन की बढ़ोतरी होगी। बाल्को प्रबंधन पहले से ही दो रैक संचालित कर रहा है जिसमें हर माह 16,100 टन एल्यूमिना की ढुलाई की जाती है। एल्यूमिना परिवहन के क्षेत्र में बीटीए पीएचपी रैक का संचालन एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें एल्यूमिना पाउडर के परिवहन से एल्यूमिना की क्षति लगभग नहीं के बराबर होती है। बंद वैगनों में एल्यूमिना के उड़ने की आशंका नहीं रहती। नमी और धूल आदि से सुरक्षित होने के कारण एल्यूमिना की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। रैक का प्रचालन प्रारंभ करने में बाल्को के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी श्री वी प्रेम कुमार, महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार राय, यातायात सह महाप्रबंधक श्री नीरज कुमार सिंह और भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने उत्कृष्ट योगदान दिया। बाल्को साइडिंग से बीटीए पीएचपी रैक उड़ीसा के लांजीगढ़ के लिए रवाना हुई, जिसे श्री प्रेम कुमार, बाल्को के सह उपाध्यक्ष श्री दीपक प्रसाद, श्री राय और व्यवसाय नियंत्रक श्री अमित अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के आयोजन में वाणिज्य सह प्रबंधक श्री एस के त्रिपाठी, सहायक प्रबंधक श्री एस एन सोनी व श्री मोहित भल्ला और यार्ड चार्जमैन श्री जी एल नामदेव का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बाल्को रेलवे यातायात विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेका श्रमिक मौजूद थे। आज हमारे यहाँ जो है बहुत ही अथक परिश्रम उससे जो है तीसरा बीटीए पीएचपी रैक का हम लोगों ने चलवाया है। इसके पहले हमारे यहाँ दो रैक ही चलते थे बीटीए पीएचपी के, अल्मुना लाने में काफ़ी सहूलियत होती थी। अब तीसरा रैक हो जाने के चलते हमारी क्षमता बढ़ गई है, करीब 33% और प्रतिमाह हम लोग इससे अल्मुना पाउडर ले आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अल्मुना पाउडर का कहीं भी कोई वेस्टेज नहीं है।